आम लोगों की सुविधा के लिए हरियाणा में सीएम इंडो केंद्र का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। रोहतक पीजीआई में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। शुरुआती दौर में 3 वॉलेंटियर्स को पहली डोज दी गई। रोहतक पीजीआई प्रबंधन के मुताबिक वैक्सीन दिए जाने के बाद तीनों लोग ठीक हो गए और उनके स्वास्थ्य पर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ा है। कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए रोहतक पीजीआई का चयन किए जाने को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अहम करार दिया। विज ने मीडिया को बताया कि ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया गया है। जिन 3 लोगों को दवा का डोज दिया गया उन पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ा। जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी और जेजेपी संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करेगी। उन्होंने सिरसा मेडिकल कॉलेज के बनने से विकास को गति मिलने की उम्मीद जताते हुए सीएम और डिप्टी सीएम का आभार भी जताया। हिसार में कोरोना की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ठोस रणनीति पर काम कर रहा है। सिविल अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए खातिर फ्लू सेंटर के लोकेशन में भी तब्दीली की गई है। इसके साथ ही सैंपलिंग की जगह को भी बदल दिया गया है। कैथल में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के दिशा निर्देश पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं ने जिले के अलग अलग इलाकों में लोगों और दुकानदारों को हैंड सैनिटाइजर बांटे। इसके अलावा 1,00,000 मास्क बांटने का भी लक्ष्य रखा गया है। फरीदाबाद पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। 300 छोटे अपराधियों और 42 हिस्ट्री शीटर की लिस्ट तैयार की गई है। इनके हलचल पर नजर रखने का जिम्मा 24 अफसरों को सौंपा गया है। हिसार के रेलवे जंक्शन के सामने रेलवे कर्मचारियों मजदूरों और अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार रेलवे का निजीकरण करने की तैयारी में है जिससे सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा होगा। विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि सरकार जल्द निजी रेल चलाने की तैयारी में, अगर ऐसा होता है तो देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। हिसार के सेक्टर 33 में बिजली कनेक्शन नहीं मिलने का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ। विभागों की तनातनी कहें या फिर लापरवाही, जिसका खामियाजा सेक्टर 33 के बाशिंदों को झेलना पड़ रहा है। नाराज रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने मामले को लेकर HSBP के अधिकारी से मुलाकात की और समस्या का समाधान करने की मांग की। वहीं हरियाणा महिला आयोग की सदस्य सोनिया अग्रवाल ने पानीपत में महिला थाना, वन स्टाफ सेंटर और जेल का दौरा किया। महिला आयोग की सदस्य महिला थाने में एक वकील के खिलाफ दायर शिकायत पर सुनवाई करने पहुंची थी।